ये भारत बेंच का ECM है, ये पार्ट नंबर है, ये हमारा एक्सीलेटर पैडल है। अब नई गाड़ियों के अंदर एक्सीलेटर पैडल जैसे हमारे कार्स में BCM होता है, इससे इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट और जोड़ दिया गया है, वो ये है। इसके अंदर एक्सीलेटर और स्पीडोमीटर के सिग्नल्स आते हैं और साथ में इसके ये AdBlue टैंक है, इसके अंदर यूरिया है जो अब BS4 के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सलेंसर के अंदर एक नोज़ल लगी होती है, ये नोज़ल इसमें स्प्रे करती है और ये एक नोज़ल दी हुई है, ये यूरिया स्प्रे करती है। ये 100 लीटर डीजल के बाद 1-2 लीटर यूरिया भी लग जाता है और ये हमारे लास्ट में सेंसर लगाया गया है जो पोल्यूशन को चेक करता है, कितना पोल्यूशन है, और ECM को रिपोर्ट देता है। तो थैंक्स।